हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी गाइस? आप लोगों को सबसे पहले थैंक्स, इतने सारे लोगों ने कमेंट किया और इतना सारा प्यार दिया। जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी बहरीन पे, उस पर कई लोगों के कमेंट आए बेसिकली कि भाई आपने इस वीडियो में जितने भी 10th और 12th पास जॉब्स बताए जो कि आप बहरीन में कर सकते हो वो सब तो ठीक है, बट आप क्लीनिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था उस वीडियो में, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल वीडियो बनाओ। कितनी सैलरी मिल जाती है क्लीनिंग वर्क पे, कौन कौन से रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताऊँ, ये सारे वर्क बेसिकली आपको कई सारे होटल्स में, रेस्टोरेंट में, या फिर शॉपिंग मॉल्स में, सुपर मार्केट्स में, ऑफिसेज में काम आपको आराम से मिल जाते हैं। और इस पे कितनी सैलरी मिलती है मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले कुछ रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ जो आपको वीजा के लिए जरूरत पड़ेगी, फिर मैं सैलरी बताऊंगा। देखो, रिक्वायरमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास होनी चाहिए। 12th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्योंकि 10th पास पे काफी सारे जॉब्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड, बेसिकली आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है इसमें। और डॉक्यूमेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने कई सारे जॉब्स बताए जो कि आप 10th और 12th के बाद बहरीन में कर सकते हो, तो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके इस वीडियो के बाद वो भी देखना, ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट है आपका बेसिकली आप लोगों का पुलिस सर्टिफिकेट लगता है, क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है, ये चीज़ जरूरत पड़ती है, उसकी कॉपी। फोर्थ है आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, जितनी पढ़ाई की है उसकी कॉपी। तो को आपका बेसिकली कलर्ड फोटोग्राफ्स, अगर आप इंडिया से हो तो आपके आइडेंटिटी प्रूफ में बेसिकली आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीज़ें लगती हैं। देखो, लीगली एज जो है वर्क करने का वो 18 एबव है, ठीक है, तो 18 के बाद काम कर सकते हो, बट मोस्टली जॉब 21 के बाद ही होते हैं। देखो, सैलरी की अब बात कर लेते हैं। देखो, ऑन एन एवरेज जो सैलरी मिलती है अभी के टाइम, तो जो बहरीनी दिनार चल रहा है वो 216 से 220 के आसपास चल रहा है, तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो लगभग 180 से लेकर 280 बहरीनी दिनार तक आपको मिल जाते हैं पर मंथ, ठीक है। इसमें और भी कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बोनस मिलता है आप लोगों को, फूड फैसिलिटी मिलती है, रूम फैसिलिटी मिलती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जोड़ के आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो हैव एन आई डे बेस्ट। आप लोग कोई भी डाउट हो कमेंट करो और जाके वो 10th और 12th पास वाली वीडियो भी देखो।